गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हमारे निशान में शामिल बीए पार्ट फर्स्ट में कृष्ण चंद्र के ड्रामे के जो दो अहम और मरकजी किरदार हैं उन पर चर्चा करेंगे। हमारे पास दो मरकजी किरदार हैं, अहम किरदार हैं। पहला है पंडित रामदयाल और दूसरा है कमलकांत। दोनों ही एक दूसरे के एतबार से बिल्कुल मुखालिफ हैं, बिल्कुल एक दूसरे के बरअक्स हैं। यानी अगर इनके नेचर के एतबार से अगर हम बात करें, अगर इनकी फितरत की बात करें, तो जो पंडित रामदयाल हैं वो तासुब रखने वाला, भेदभाव छुआछूत रखने वाला इंसान है, पुराने ख्यालात का इंसान है, जो बिल्कुल ही अपने जमाने यानी अपने पुराने ख्यालात कदीम जमाने की अक्काशी करता है। और दूसरा जो है वो है इसका ही बेटा कमलकांत, जो नए जमाने की रफ्तार के साथ उस नए जमाने के एतबार से और ताशुब और नफरत से परहेज करके इंसानियत और आदमियत पर ज्यादा तवज्जो रखता है और उसको ज्यादा अहमियत देता है, इंसानियत और आदमियत को। देखिए, दोनों फितरी तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो पहले हम पंडित रामदयाल पर चर्चा करते हैं। रामदयाल ने एक कमल कुंज नाम से इमारत बनवाई है, दिल्ली में अपनी एक इमारत बनवाई है और उसको किराए पर चढ़ाया है, यानी किराएदारों को किराए पर देना चाहता है, लेकिन बड़ा ही तासुब रखता है, बड़ा ही कदीम जो शऊर है उसका इंसान है, पुराने ख्यालात का इंसान है और साथ ही तासुब, नफरत और जो उस जमाने में बिल्कुल ही अपने जमाने का क्या करता है, अकाशी करता है। यानी इसकी जो फितरत है वो ऐसी फितरत है कि ये अपने मकान को, अपनी इमारत को किराए पे तो देना चाहता है, लेकिन कुछ उसूल कायम कर रखे हैं। अगर कोई अंडा खाता है तो उसको किराए पर नहीं देगा, अगर कोई मछली खाता है तो उसको किराए पर नहीं देगा, और अगर कोई मुसलमान है तो उसको किराए पर नहीं देगा, अगर कोई पंजाबी है उसको किराए पर नहीं देगा। यानी कि ये चाहता है कि बिल्कुल मेरे जैसा ही तासुब रखने वाला इंसान मेरी इमारत को किराए पर, जो उस जमाने में नामुमकिन शाह लग रहा है। कमलकांत को अपने वालिद की इस बात पर बड़ा ये गुस्सा करता था और अपने बाप की इस नेचर, इस फितरत का से नफरत करता था। ये नए जमाने का तर्जमान है और इंसानियत और आदमियत को तवज्जो देता है। तो चलिए पंडित रामदयाल को तफसील से पढ़ते हैं। देखिए, इन दोनों किरदारों का हम तफसीली जायजा लेने जा रहे हैं। तो पहले जो पंडित रामदयाल है, पंडित रामदयाल इस ड्रामे का खास किरदार है। वो कमल कुंज बिल्डिंग दिल्ली के
ग्राउंड फ्लोर का मालिक है। पंडित जी एक तंग नजर इंसान है, वो पुराने दकियानुषी ख्यालात के मालिक हैं, वो कट्टर हिंदू हैं और बेहद मुतअस्सुब हैं, यानी तअस्सुब रखने वाले इंसान हैं। वो अपना मकान किराए पर तो देना चाहते हैं, मगर उन लोगों को जो के उनके उसूल पर चल सके। वो जात पात और छूत छुआछूत के उसूलों पर चलने वाले शख्स हैं। वो हिंदू मजहब के अलावा दीगर मजाहिब के लोगों से नफरत करते हैं। मकान किराए पर देने के मामले में उनकी शर्तें बहुत सख्त हैं। रामदयाल मांस मछली खाने वाले, शराब पीने वाले, कवाली सुनने वाले, उर्दू बोलने वाले को अपना मकान किराए पर नहीं देना चाहते। वो अपने मजहब के अलावा दीगर मजाहिब मुसलमान सिख ईसाई वगैरह को मकान किराए पर देने को तैयार ही नहीं है। उनका बेटा कमलकांत एक साफ जहन का पढ़ा लिखा इंसान है। वो अपने वालिद को लाख समझाता था कि वो इस तरह से दीगर मजाहिब के लोगों से भेदभाव ना रखे, लेकिन वो किराएदार से पूछ ही लेता है कि वो हिंदू है या मुसलमान। मांस मछली तो नहीं खाता। उन्हें दूसरे लोगों की जबानों से सख्त नफरत थी। पंडित जी की आंखों पर मजहबी तंग नजरी का चश्मा चढ़ा हुआ था। साइंसदा कृपा शंकर उर्फ करीमुल्ला को मुस्लिम होने की वजह से लाला आफताब राय को तीन बीवी रखने की वजह से वीलू को दौलतमंद होने के बावजूद चमार का बेटा होने की वजह से मुन्नन महस नारायण नाथ को उर्दू की वजह से किसी को ईसाई होने की वजह से फ्लैट देने से पंडित जी इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनका यकीन था कि उनको फ्लैट किराए पर दे दिया गया तो उनका ईमान मजहब भ्रष्ट हो जाएगा। और उनकी इन्हीं तमाम शराइत और फ्लैट के लिए बड़ी रकम की मांग की वजह से कोई किराएदार नहीं आता। आखिर में जब पंडित जी का बेटा कमलकांत फ्लैट किराए पर दे देता है, यानी जो मिस एजाबेला आती है, जो डॉक्टर की बेटी है, उसको वो किराए पर सामान दे देता है, मंगवा लेता है उसका, तो इस सदमे में रामदयाल को दिल का दौरा पड़ जाता है। इस हादसे के दौरान उनमें बहुत बड़ी तब्दीली रोनमा होती है। यानी वो तब्दीली कैसे होती है, चलिए थोड़ी और तफसील में चर्चा कर लेते हैं। जब मिस एजाबेला किराए लाइन पर आती है तो वो एक खूबसूरत लड़की है। उनका बेटा कमलकांत उससे मुतासिर हो जाता है। उस दौरान में रामदयाल फ्लैट पर नहीं है तो वो एजाबेला को कह देता है कि अपना सामान ले आओ, फ्लैट दिखा देता है। फ्लैट दिखाने के बाद वो उनसे सामान मंगवा लेता है। डॉक्टर साहब जब तक सामान लेकर आते हैं तब तक रामदयाल जी भी फ्लैट पर पहुंच चुके हुए होते हैं। लेकिन जब वो पूछता है कि तूने किराए किसको दिया है किराए पर मकान, तो जवाब देता है कि क्रिश्चियन है। फिर वो उनका सामान उठाकर बाहर निकालने लग जाता है और उनको बाहर करने लग जाता है। लेकिन कमलकांत इस बार जिद पर अड़ जाता है कि नहीं, किराए पर देना ही पड़ेगा। इस बात से वो बड़े ही
गमगीन हो जाते हैं और उनको दिल का दौरा पड़ जाता है। अब दिल का दौरा जब पड़ जाता है तो जो मिस एजाबेला है, उनके जो वालदेन वालिद हैं, वो डॉक्टर हैं, वो वहीं पर मौजूद हैं। कमलकांत उनसे रिक्वेस्ट करता है, उनसे माफी मांगता है, लेकिन वो तैयार नहीं होते हैं। वो भी यही कहते हैं कि ऐसे इंसान का जीने का कोई मकसद ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। लेकिन इतनी दरखास्त करने के बाद वो उनको एक इंजेक्शन लगाते हैं और पंडित रामदयाल जी खड़े हो जाते हैं। इस बात से पंडित जी में काफी तब्दीली रोनमा होती है, क्योंकि उनके इलाज के लिए वही सब लोग उनका साथ देते हैं जिनको ये हकारी की नजर से देखते थे। उस वक्त उनको अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो तमाम लोगों को एक ही निगाह से देखते हैं और बिल्डिंग के साथ साथ अपने दिलो दिमाग के दरवाजे भी खोल देते हैं। ड्रामे के आखिर में रामदयाल अपने बेटे कमलकांत को मकान की चाबियां देते हैं और कहते हैं कि मेरे घर के सारे दरवाजे खोल दो, ये मकान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी सब ने मिलकर बनाया है। अगर वो सब मिलकर इस घर में नहीं रहेंगे तो ये घर कैसे आबाद होगा और मुल्क कैसे तरक्की करेगा। पंडित जी के अंदर आई इस तब्दीली को देखकर सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब वो इंसानियत और शराफत के नमूने बन चुके थे और मजहबी तासुब को शुभ से कोसों दूर हो चुके। यानी वो देखिए कृष्णचंद्र ने कितना गजब ड्रामा लिखा है। कृष्णचंद्र ने इसको बिल्कुल अपने मुल्क की जो कौमें हैं उनके बारे में बताया है कि तासुब से हटकर अगर हम एक हो जाए, एक हिंदुस्तानी हो जाए, तो मुल्क काफी तरक्की याफ्ता हो सकता है। अगर हम हमारे मुल्क को घर समझें और जो मुल्क के ठेकेदार बने फिरते हैं, जिन्होंने मुल्क की बागडोर अपने हाथों में ले रखी है, अगर वो पंडित रामदयाल जी की तरह हो जाए, अगर वो सबके लिए अपने दरवाजे खोल दें, तो मुल्क की सारी कौमें अपनी गवर्नमेंट के साथ होंगी, ना कि उससे अलग होंगी। अगर ये तासुब का खेल मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज ना खेले तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर अपने मुल्क को तरक्की की राह पर बिल्कुल बेशक ले जाएंगे। तो यही संदेश, यही पैगाम अपने इस ड्रामे के जरिए मिस्टर कृष्णचंद्र जी देना चाहते हैं और उन्होंने इसमें यही पैगाम बिल्कुल रोनमा किया है। चलिए दूसरा जो किरदार है कमलकांत पर चर्चा करते हैं। वैसे तो कमलकांत के बारे में आधी जानकारी आपको मिल ही गई है कि वो कौन था। खैर आगे और चर्चा करते हैं कि कमलकांत का किरदार किस अहमियत का हामिल है। देखिए ड्रामे का दूसरा खास किरदार कमलकांत का है। ड्रामे को अरूज पर पहुंचाने में कमलकांत का किरदार बहुत अहमियत रखता है। कमलकांत रामदयाल का बेटा है, उसने असरी तालीम बर्तानिया में हासिल की है। ये इंग्लैंड से बैरिस्टर का इम्तिहान पास करके आया है। इसका जहन साफ है, वो सबको बराबर समझता है, वो ऊंच नीच के फर्क को नहीं मानता। इसी वजह से उसने करीमुल्ला को मुस्लिम होने और लाला आफताब राय को गोश्त खाने के बावजूद मकान किराए पर देने को कहा, लेकिन बाप बेटे से नाराज हो जाता है और कहता है कि बेटे का ध्यान का कारोबार के बजाय जवानी की जिंदगी
ऐश में गुजारने की तरफ है। कमलकांत एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान है। वो वक्त के तकाजे को समझता है और अपने पिताजी को भी समझता है कि वक्त के साथ साथ तहजीब और समाज दोनों बदलते रहते हैं, इसलिए दकियानूसी बातों पर डटे रहना और मजहबी भेदभाव का ये तरीका ठीक नहीं है। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, आजाद मुल्क है, जिसे हम गणतंत्र कहते हैं। ऐसे मुल्क यानी यहाँ पर जो हमारा मुल्क है, यहाँ हर कौम के जो मानने वाले हैं वो रहते हैं। हर शख्स को खाने, रहने, सहने और अपनी बात रखने का पूरा हक भी मिला है और आज़ादी भी है। इस वजह से किसी का हक हम छीन नहीं सकते। वो अपने पिताजी को मजहबी रवादारी से काम लेने को कहता है। कमलकांत अपने पिताजी से ये कहता है कि मुझे एक बात समझा दीजिए कि आप इस मकान में किराएदार बसाना चाहते हैं या लोगों का मठ खोलना चाहते हैं। रामदयाल को हर रामदयाल को हरिजनों से सख्त नफरत थी। कमलकांत को अपने पिताजी की जहनियत पर बड़ा अफसोस होता है। एक दिन कमलकांत अपने पिताजी से पूछे बगैर मकान का कुछ हिस्सा किराए पर दे देता है। रामदयाल किराएदारों पर बहुत नाराज होता है और उन्हें जलील भी करता है और घर से निकाल देने पर आमादा हो जाता है। इसी दौरान रामदयाल को दिल का दौरा पड़ जाता है। कमलकांत की दरखास्त से ईसाई डॉक्टर रामदयाल का इलाज करता है। दिल में एक अजीब सी तब्दीली के साथ रामदयाल अपनी आंखें खोलता है। अब रामदयाल का जहन बदल चुका था। वो अपने बेटे से कहता है कि कमल, अब तुम इस घर के सारे दरवाजे खोल दो। ये घर एक फर्दे वाहिद का नहीं है, ये घर तुम सबका घर है। रामदयाल अपनी तमाम मजहबी शिद्दत और तासुब को छोड़कर अपने फ्लैट के दरवाजे तमाम लोगों, तमाम कौमों के लिए खोल देता है। कमलकांत के किरदार की कुछ अहम खूबियां मैं आपको बता रहा हूं। ड्रामा दरवाजे खोल दो में कमलकांत का किरदार खूबियों से मालामाल है। उसके किरदार की चंद अहम खसूसियात दर्ज ज़ेल है। पहली खूबी यह है कि कमलकांत में इंसानियत और शराफत का जज्बा है। इसमें ताच्चुब, तासुब नाम को भी नहीं है। दूसरा, कमलकांत की नज़रों में दुनिया के तमाम मजाहिब एक हैं। तीसरी, वालिद के कट्टर हिंदू और बेहद मुतासुब होने के बावजूद वो एक रोशन ख्याल नौजवान है। चौथा, वो सबको बराबर समझता है। उसे अमीर गरीब छोटे बड़े में कोई फर्क नजर नहीं आता। पांचवी खूबी, वो अपने वालिद के दिल से तासुब और तंग नजरी को निकालने में कामयाब ही होता। ये ड्रामा एक सबक आमोज और इबरत आमेज ड्रामा है। इसमें भाईचारा और मेल मिलाप से रहने की तलकीन की गई है। मजहबी कसमकश को उजागर करने के नकाइस बताए गए हैं।
और कारीन को तरक्की की राह दिखाई गई है। तो ये था हमारे ड्रामे का पार्ट जो हमने आज पढ़ा। देखिए इस ड्रामे से हमें एक भी सबक नहीं मिलता, हमें यहाँ कृष्ण चंद्र की जहानत का भी पता चलता है कि वो कितना तासुब से नफरत रखते थे, यानी उनके दिल में इंसानी दोस्ती कितनी थी। एक तो वो जो तरक्की पसंद तहरीक थे उससे वाबस्ता थे, तो तरक्की पसंद अदीब होने की वजह से उनके पास एक इंसान इंसानियत का जहन और एक दर्दमंद दिल उनके पास था, उनके जिस्म में था। उनकी जो कलम थी वो कलम भी बहुत ही दर्दमंद थी और उनका जो ख्याल था वो रोशन ख्याल था। यहाँ इन्होंने दो ऐसे किरदार मरकजी किरदार रखे हैं जो अहम किरदार की अहमियत के हामिल हैं। यानी अगर हम किरदारों पर जो हमने चर्चा की है और जितने भी किरदार हैं वो ज़मीनी किरदार हैं, उन किरदारों को सिर्फ ड्रामे को आगे बढ़ाने के लिए पेश किया गया है, ड्रामे को पूरा तहरीर करने के लिए पेश किया गया है। ये वो दो किरदार हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की, जो हमारे जो मुल्क है उस मुल्क के कोई खास किरदार नहीं है, आम लोगों में से ही उठाए हुए दो किरदार हैं। यानी हम दिन रात अगर हमारी नज़र से जिस चीज को हम नज़रअंदाज करते हैं अगर हम उनको देखें तो ऐसे किरदार हमें आज भी हमारे माहौल में देखने को मिल सकते हैं, हमारे माशरे में देखने को मिल सकते हैं, जो आज भी तासुब मुतासुब हुए अपने दिल में तासुब का जज्बा रखते हैं। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि हमारे माहौल में हमें आज भी तासुब रखने वाले किरदार देखने को मिल जाएंगे, तो हमें एक अच्छा नागरिक होने की वजह से या एक अच्छे नागरिक का रोल हमारी ज़िंदगी में अदा करना है तो हमें हमारे मुल्क में इसकी जड़ों को खदेड़ना पड़ेगा और भाईचारा और छुआछूत से दूर होकर भाईचारे की भावना अपने दिल में भरनी पड़ेगी। और अगर ऐसी भावना पूरे मुल्क के आवाम में भर जाएगी तो उस दिन हमारा मुल्क कामयाब और तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाएगा। शुक्रिया।